अचनार का वानस्पतिक नाम बोहोनिया वेरिगेटा है और इसे सेजुल पिनियासी प्रजाति का पेड़ माना जाता है। कचनार के पेड़ पूरे देश में पाए जाते हैं। यह एक औषधीय वृक्ष है और भारत में प्राचीन काल से रोगों के उपचार के लिए इसे उपयोग किया जाता है। कचनार के पेड़ जंगलों में, हिमालय की घाटियों में और निचले पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस पेड़ के विभिन्न भाग जैसे फूलों की कलियां, फूल, तने की छाल, तना, पत्तियां, बीज और जड़ को आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके औषधीय गुणों के कारण कई रोगों के इलाज में कचनार को उपयोग करने में फायदे मिलते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कचनार का पेड़ कैसा होता है, उसके क्या फायदे हैं और उसे आयुर्वेद में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कचनार का पेड़ कैसा होता है। कचनार का पेड़ करीब 20 से 30 फुट ऊंचाई वाला होता है। सर्दियों में यह पेड़ गुलाबी रंग के बहुत प्यारे प्यारे फूलों से लद जाता है। कचनार के फूलों की कली लंबी, हरी व गुलाबी रंग की होती है। आयुर्वेद में इसे बेहद चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष माना जाता है। लोग इसे घर के बाहर, खेत की मेंढों पर तथा एवेन्यू ट्री के रूप में लगाते हैं। कचनार के पेड़ के फूल बहुत सुंदर तो होते ही हैं, मगर इसकी छाल अद्भुत लाभकारी है। इसके रेशों से रस्सी बनाई जाती है तो वहीं इसके पत्तों का साग बनाकर खाया जाता है। अब बात करते हैं कचनार का उपयोग की। ऐसा माना जाता है कचनार में एंटी ट्यूमर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी गोइट्रोजेनिक गुण होते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कचनार का इस्तेमाल किस किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कचनार का इस्तेमाल जूस बनाने के लिए। भारत के कई जनजाति के लोग सीने के दर्द को ठीक करने के लिए कचनार की पत्तियों और जड़ों से निकले गए रस का उपयोग करते हैं। कचनार का अग्र उच्च वास वाले आहार से प्रेरित हाइपरलिपिडेमिया को कंट्रोल करने में प्रभावी पाया गया है और एंटी एथेरोजेनिक दवा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फूलों के रस का उपयोग दस्त और पेट के अन्य विकारों के इलाज में किया जाता है। दूसरा फायदा है कचनार के पेड़ से सब्जी बनती है। भारत के कई क्षेत्रों में कचनार की कलियों का पकाकर, भूनकर प्याज और मसालों के साथ करी व अचार तैयार किया जाता है। फिर इसे बाद में नियमित आहार के हिस्से के रूप में सब्जियों या साइड डिश के रूप में खाया जाता है। तीसरा फायदा है दवा बनाने के लिए। कचनार एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका सेवन कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल कई दवाइयों को बनाने में भी किया जाता है। चौथा उपयोग है यूनानी के लिए। कचनार की फूल की कलियों में प्रारंभिक अवस्था में चार प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं। यूनानी चिकित्सा पद्धति में कचनार के फूल की कलियां का उपयोग किया जाता है। खांसी के इलाज के साथ साथ आँखों के संक्रमण, लीवर से जुड़ी दिक्कतें और रक्त मह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ वर्तमान स्टडी के अनुसार कचनार महिलाओं के होने वाले प्रोस्टेट कैंसर, ओवरी कैंसर और
ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी प्रभावी माना गया है। तो ये थे कचनार के 4 उपयोग। अब बात करते हैं कचनार के स्वास्थ्य लाभ की। कचनार के पेड़ के हिस्सों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी मलेरिया, दर्द कम करने के, सूजन कम करने, साइट्रोसिक भार कम और थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करने वाले गुण होते हैं। कचनार में मधुमेह विरोधी और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर में इंसुलिन सिस्टम को कंट्रोल करने के साथ ही ब्लड शुगर के बढ़ते स्तर को कम करता है। कचनार का इस्तेमाल बवासीर के इलाज में भी किया जाता है। दर्दनाक बवासीर के इलाज में कचनार के फूल वास्तव में प्रभावी होते हैं। कचनार का इस्तेमाल नियमित मासिक धर्म चक्र में भी किया जाता है। वो सभी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होती है, वे इस समस्या से निपटने के लिए कचनार का उपयोग कर सकती हैं। वास्तव में इस स्थिति में महिलाओं के लिए कचनार जितनी अच्छी कोई और सब्जी नहीं हो सकती। कचनार मासिक धर्म के दौरान ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो अभी आपने जाना कचनार का स्वास्थ्य लाभ। अब बात करते हैं कचनार के पेड़ को कैसे लगाएं। तो कचनार के पौधे को आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप इसे इसके बीज के द्वारा ही लगा सकते हैं। कचनार के पेड़ पर इसकी कलियां चटक जाती हैं और फिर वो गिर जाती हैं। ये चटकने वाली पत्तियां आपको अप्रैल से मार्च के बीच में मिलती हैं। इनके अंदर जो बीज होते हैं आप उन्हें अपने घर में लगा सकते हैं। उन बीजों को आप नमी मिट्टी में दबा दें, उसमें से आपका कचनार का पौधा उगने लगेगा। वैसे तो ये बीज आपको बाजार में भी मिल जाएंगे, पर जो बीज आपको इसके पौधे के नीचे से मिलेंगे उनकी बात कुछ अलग ही होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कचनार से संबंधित जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप कचनार से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या किसी अन्य पौधे के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।